या सो लेक्चर नंबर 24 में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इट्स 10th of September 2024 टुडे, 10 सितंबर 2024 का दिन है आज। और बहुत ही अमेजिंग दिन है क्योंकि आज मेरे गुरु का बर्थडे है, जावरे सर का बर्थडे है। सो मुझे याद है इस दिन की बहुत सारी यादें जुड़ी है। जावरे सर का एक शेड्यूल मुझे याद था कि सर सुबह जल्दी उठ जाते थे, लाइक 5 साढ़े 5 बजे, और जल्दी उठ के वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे क्योंकि अपनी क्लासेस में वो अपना रूटीन बताया करते थे। तो वो रूटीन कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ था कि हर रोज सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठकर वो वॉक पे जाते हैं। किस रास्ते पे वॉक पे जाते हैं वो भी उन्होंने काफी बार बता रखा था, मतलब कुछ ना कुछ इंस्टेंट शेयर करते थे तो उससे पता चल जाता था। तो मुझे एक बार याद है कि मैंने सोचा कि उनको बर्थडे पे क्या गिफ्ट किया जाए। तो आज ही के दिन मैं सुबह सुबह 5:30 बजे उनके घर पे पहुंच गया था, उनके घर के बाहर। अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी पर उनके घर के बाहर आई थिंक 5 बजे ही पहुंच गया था। और उनके घर के बाहर दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था कि कब सर बाहर आएंगे। अच्छा, मन में कहीं ना कहीं एक डर भी था कि ऐसा ना हो कि बर्थडे का दिन है, रात को 12 बजे केक काटा हो और सर नींद से ही ना उठे, और सर अगर नींद से नहीं उठे तो सर आज वॉक पे नहीं जाएंगे, और सर वॉक पे नहीं जाएंगे तो मेरी मुलाकात नहीं होगी। बट ऐसा नहीं हुआ, मैं 5:05 बजे वहां पहुंच गया था और कुछ 15-20 मिनट आधे घंटे बाद फाइनली सर के घर का दरवाजा खुला और सर वहां से बाहर आए। और अंधेरा था बाहर, बाहर आए, मुझे देखा वहां पर, और मुझे देखा और कहा, अंशुल हाउ कम यू आर हियर। तो फिर मैं एक फूल लेके आया था उनके लिए, मैंने उनको फूल दिया और मैंने कहा, सर विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि यू कुड हैव विश्ड मी बर्थडे इन द क्लास ऑल्सो ना, वी वर मीटिंग इन द क्लास आफ्टर सम टाइम। मैंने कहा, सर तब बहुत लोग होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, और सबके सामने शायद मैं आपको अच्छे से विश भी नहीं कर पाता था, और शायद आप मुझे एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद यू, और मुझे लगा कि आप सेहत बनाते ही हैं तो क्यों ना मैं आपके साथ इसी समय थोड़ा समय स्पेंड करूं। तो जावरे सर की एक आदत थी, देखो उस समय बहुत ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स नहीं आते थे, मतलब वेरी गुड क्वालिटी कैमरा। तो सर की एक आदत थी, वो अपने जेब में ना एक एक वो क्या कहते हैं उसको, एक डिजी कैम लेकर घूमते थे, डिजिटल कैमरा आता था ना छोटा, वो लेकर घूमते थे। तो फिर मैंने सर से कहा, सर कैन आई जॉइन यू इन मॉर्निंग वॉक टुडे। सो ही सेड डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। तो सर हमेशा क्लास में बताते थे आधे घंटे 40 मिनट का एक वॉकिंग का राउंड उनका होता था, कुछ 3-4 किलोमीटर का। तो मैं सर के साथ गया एंड आई स्टिल रिमेंबर, एक अलग बॉन्डिंग क्रिएट हुई उनके साथ। मन में जो एक डर था वो डर दूर हुआ, आई शुड से कंफर्ट जोन में मैं आया। ऑब्वियसली सर भी मेरे साथ कंफर्ट जोन में आए होंगे, वी क्लिक्ड लॉट ऑफ पिक्चर्स। और फिर जब मैं वापस सर के घर पे पहुंचा आफ्टर वी कंप्लीटेड वॉकिंग, तो सर ने कहा, कम ऑन लेट्स हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर, ही इनवाइटेड मी इनसाइड हिज हाउस। और पहली बार मैं जावरे सर के घर में गया और उनके घर में जाकर उनकी फैमिली से मिला जो ऑब्वियसली उठ गई थी उस समय, और उनके साथ एक कप चाय पी। दोस्तों यार एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मुझे भी कई टीचर्स मिले होंगे और सर को भी कई स्टूडेंट्स मिले होंगे, एग्जैक्टली उसी तरह जो आपके और मेरे बीच का रिलेशन है। बट इसमें से ना कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक परमानेंट जगह बना लेते हैं दिल में, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर। और वो परमानेंट जगह बनाने वाले स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं, बहुत बहुत ही कम होते हैं। अब अगेन इसके लिए हम सिर्फ किसी टीचर को या किसी स्टूडेंट को ब्लेम या क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, ये मुझे हमेशा लगता है ना कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, इट इज देयर कॉम्बिनेशन विच वर्क्स टुगेदर, कि एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों का एक सही तरीके से कॉम्बिनेशन बैठ जाए और सही तरीके से रिलेशनशिप बैठ जाए। तो टू मेक दिस डे मोर स्पेशल फॉर यू गाइज स्पेशली, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ सर को कॉल करने की, विश करने की हैप्पी बर्थडे, एंड लेट मी सी वापस वो उठे हैं या नहीं उठे हैं, इफ ही पिक्स अप द कॉल एंड वी कैन विश हिम हैप्पी बर्थडे, लेट्स ट्राई।
सो फार नो रिप्लाई. आई थिंक अब कब कट कर देना चाहिए. ठीक है, तो सर डेफिनेटली कॉल बैक करेंगे. जब भी कॉल बैक करेंगे तब उनको हम लोग आराम से विश कर देंगे. सो दैट इज जस्ट अमेजिंग. लाइफ में ना बहुत सारी ऐसे कुछ मोमेंट्स बन जाते हैं, बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स होते हैं. एंड आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी आप ऐसे कुछ मोमेंट्स रजिस्टर कर रहे होंगे. नो मैटर, चाहे हम फिजिकल एजुकेशन में हो या फिर हम ऑनलाइन एजुकेशन में हो, मोमेंट्स बनाने से मतलब है. करेक्ट. भूमिका शर्मा कह रही है बहुत अच्छा लगा भूमिका, मैंने देखा मेरी टीम ने मेरे साथ शेयर किया, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. बस मैं ये समझ नहीं पाया वो जो गाना गा रही थी वो आप ही थी या कोई और था, क्योंकि वहां पर नाम मुझे किसी और का दिखा. बहुत ही ब्यूटीफुल था भूमिका, बहुत ही ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा दिन. दोस्तों कल आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए गए थे, देवर क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19. अच्छा वो आप ही थे भूमिका, फिर तो आपको ना उसको पोस्ट करना चाहिए इंस्टाग्राम पे और मुझे कोलैब कर दीजिएगा. बट आई डोंट नो मेरी टीम एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि आई थिंक उसमें आप गाना गा रहे हैं जनरल, इन जनरल है ना. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच भूमिका, थैंक यू, लव यू लॉट, थैंक यू सो मच. सो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपका होमवर्क था, इजी क्वेश्चंस थे दोनों. और हमारे दो क्वेश्चंस और बचते हैं जो आज की क्लास में हमें करना है, आई थिंक 17 एंड 20. बाकी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. कल किसी ने कहा था 13 नहीं हुआ या 14 नहीं हुआ, वो भी हो चुका है बेटा. ट्रैकर एक बार जाकर चेक कर लेना, मैंने ट्रैकर में जाकर चेक कर लिया. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 किया सभी ने, टेल मी ऑल ऑफ यू. सो दिस वॉज होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 23, वेरी गुड गाइस. टुडे आई एम स्टार्टिंग विद मैराथन ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग. आज मेरा सेशन है मैराथन का 11 बजे से, जहां पर मैं बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज करवाने वाला हूँ. सर्टनली उसमें अमालगमेशन भी आएगा रिवीजन में. अगर किसी को देखना रहा तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं. इट्स ऑन एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल. आई विल बी स्टार्टिंग एट 11 o'clock और 4-5 घंटे ये सेशन चलेगा आज दिन भर में. नाउ फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ यस लिमिटेड एंड नो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021. ठीक है, रुपीज एंड क्रोर्स दिया है, अच्छी खासी बैलेंस शीट है. ऑन दैट डे यस लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड नो लिमिटेड. यस लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड नो लिमिटेड मतलब क्या, यस लिमिटेड है ट्रांसफरी, नो लिमिटेड है ट्रांसफरर. लिश दिस इज होमवर्क ऑफ L23, वी आर डूइंग इन L24. समझ में आ रहा है लिश. नाउ द मेंबर्स ऑफ नो लिमिटेड आर टू गेट 1 इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड देम बाय इन नो लिमिटेड. यहां से हमें परचेज कंसिडरेशन मिल सकता है. कैसे, फोकस कीजिएगा. नो लिमिटेड का शेयर कैपिटल जो है वो है 5 करोड़ रुपीज. ठीक है, और एक शेयर है 10 रुपए का, मतलब कितने इक्विटी शेयर होंगे, 50 लाख. अब समझना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रुपीज इन क्रोर्स में है, मुझे लगता है हमें भी सारे कैलकुलेशन क्रोर्स में करने चाहिए. तो 50 लाख मतलब 0.5 करोर्स इक्विटी शेयर. और रेशियो क्या दिया है, दे विल बी इशूड 1 इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड. सो रेशियो है 1:5 का, इंटू 1/5. सो दे विल बी गेटिंग 0.1 CR इक्विटी शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड, बट द शेयर विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2. दैट मीन्स द इशू प्राइस विल बी ₹12 पर शेयर. तो 0.1 × 12 दैट बिकम्स 1.2 crores. Is this the amount of your purchase consideration? Check all of you. The necessary approvals are obtained. You are required to pass journal entries in the books of 2 companies to give effect to the above if amalgamation is in the nature of merger. So again, ये वो वाला question है जहाँ पर all in one होता है, मतलब चारों type के transactions होते हैं. मतलब यहाँ पर purchase consideration को भी आपको calculate करना है, जो हम calculate कर चुके हैं. मतलब यहां पर आपको ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स को क्लोज करना है जर्नल के थ्रू, मतलब यहां पर आपको ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स को भी ओपन करना है, बट बैलेंस शीट नहीं बनानी है. ठीक है, चलिए नॉट अ प्रॉब्लम. आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल से ही चेक करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट. फर्स्ट नंबर जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट.
एंड टू करंट एसेट्स अकाउंट, चेक ऑल ऑफ यू। सेकेंड नंबर जनरल एंट्री होती है ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, करेक्ट। अब इन लोगों की सीक्वेंसिंग और हमारी सीक्वेंसिंग थोड़ी ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड, ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, चेक कीजिएगा सभी जने। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो यहां पर है ही नहीं, तो फोर्थ नंबर स्टेप एप्लीकेबल ही नहीं है। फिफ्थ नंबर स्टेप होता है परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू, फोर्थ नंबर एंट्री होगी, सॉरी, परचेज कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू, दिस इज एंट्री नंबर फोर। उसके बाद में परचेज कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, एंट्री नंबर फाइव। नंबर सिक्स क्या होता है? अब आप यहां पर क्या करते हैं, अगर कोई एसेट्स आप नहीं लेकर जा रहे हैं ट्रांसफर ही, तो आप उसको रियलाइज करते हैं, वो यहां पर नहीं है। एनी लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर आर सेटल्ड, वो भी यहां पर नहीं है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यहां पर नहीं है। सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहां पर नहीं है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन गेन और लॉस, चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, रियलाइजेशन में 13.8 का बैलेंस आ रहा है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट में 13.8 का लॉस आ रहा है क्या? 13.8 क्रोर्स। उसके बाद हम यहां पर करते हैं सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो दोस्तों, वो जो 12 स्टेप्स मैंने आपको बनवाए हैं, वो स्टेप्स अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो बहुत सिस्टमेटिकली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सारे एंट्रीज एक ही दिन पे हो रहे हैं। लेकिन याद रखने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो इट इज बेटर कि आप वो 12 स्टेप्स को याद रखें और वही सीक्वेंस को फॉलो करें। नाउ कमिंग टू द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो प्राइमरीली कितनी एंट्रीज होती है? तीन। पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, चेक ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। दूसरी एंट्री किस चीज की होती है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब दोस्तों, ये कौन से टाइप का अमालगमेशन है? इट्स अ प्लेन क्लियर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। पूरी की पूरी पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कोई ये कंडीशन बोल के बताएगा क्या? भाई अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 12 से 15 मार्क का आ सकता है। कोई ये कंडीशन बोल के बता सकता है? एनी वन? किसी में भी कॉन्फिडेंस है कि सर मैं कॉन्फिडेंटली कंडीशन बता सकता हूँ? बिंदास हैंड रेस कर लो। और देखो, बेस्ट चीज क्या है ऑनलाइन एजुकेशन की? पनिशमेंट मैं दे ही नहीं सकता हूं, बहुत बढ़िया। एनीवन हु वांट टू अटेम्प्ट, सर मैं पांचों कंडीशंस बोल के बताता हूं। अबे नालायक को, कोई तो कोशिश कर लो यार, नादान परिंदो, कमाल इंसान हो तुम लोग, कोई कोई तो कोशिश करें। नो वन विश टू अटेम्प्ट, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, मोना डालेंगे, मेरा तो कॉल ही कनेक्ट नहीं होता। कोशिश कर, हल निकलेगा, सॉरी, कोशिश कर, कॉल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर, कॉल निकलेगा। फिर उसके बाद में डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन की थर्ड एंट्री, और फिर इंटर कंपनी ओइंग की फोर्थ एंट्री, चेक ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और जल्दी हो गया होगा। आई थिंक मे बी 15 टू 20 मिनट्स मैक्स, यार इतनी बड़ी क्लास में कोई भी एक बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं है कि पांचों कंडीशंस बोल के बताए, मतलब यार ये तो कमाल हो गई है यार। ऐसे मत करो यार, समवन शुड ट्राई, मतलब थोड़ा मुझे भी मौका दो मजे लेने का आप लोगों के, पता तो चले कि किसी की टांग खींच सकते हैं। श्रेया सिंह ने दिखाई है हिम्मत, और श्रेया सिंह ने हाथ ऊपर किया है। अभी तक तो कनेक्ट नहीं हो पाए, बट देखते हैं क्या आज कनेक्ट हो सकते हैं श्रेया सिंह के साथ। रिकॉर्डेड में जितने बच्चे देख रहे हैं, आप लोगों को भी कोशिश करना है। ओ ओ ओ, एक और बार ट्राई करता हूं श्रेया, 15 सेकंड का टाइमर चल रहा है मेरे यहाँ पे। लिश ने भी हैंड रेस किया है, श्रेया को कॉल नहीं लगा तो लिश से काम चलाएंगे, बात करेंगे। और 3 2 1, कुछ तो प्रॉब्लम है श्रेया,
लिश को मैंने किया है कॉल और कनेक्ट होने की कोशिश हो रही है। वैसे श्रेया के यहाँ पे नेटवर्क ज्यादा अच्छा दिखा रहा है लिश के कंपैरिजन से, बट नो। अच्छा कनेक्ट हो गया। गुड मॉर्निंग, आपने अब खुद को म्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग मैम, हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। क्या सही नाम रख दिया ना आपका, आर्ची ने लिश। मंदसौर कहाँ से है लिशा जी आप? से सर। मंदसौर। अच्छा हाँ, आपसे बात हुई थी पहले। यस बताइए मैम, पांचों कंडीशंस बताइए, पहले वहां से शुरू कीजिए। फर्स्ट कंडीशन, ऑल असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। सेकेंड कंडीशन, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90%, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 90% होना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी की, और एग्री टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट शेयर हेल्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी इट सेल्फ और थ्रू इट्स नॉमिनी और थ्रू इट्स सब्सक्राइबर। थर्ड, सब्सिडरीज। हाँ सब्सिडरी सॉरी। थर्ड, द ट्रांसफरी कंपनी डिस्चार्ज एंटायर परचेस कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी ओनली बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर एक्सेप्ट फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी पेड इन कैश। फोर्थ वेरी गुड। कंडीशन, द ट्रांसफरी कंपनी इंटेंड टू कंटिन्यू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस विच ट्रांसफरर कंपनी वॉज डूइंग बिफोर अमलगमेशन। फिफ्थ वेरी गुड। कंडीशन, द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी एट इट्स बुक वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अमेजिंग, बहुत जबरदस्त लिश, बहुत बढ़िया। बस आप 3 बार फंबल कर गए बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। आप कंफ्यूज हो गए 3 बार कि मुझे ट्रांसफरर बोलना चाहिए या ट्रांसफरी बोलना चाहिए। तो ऐसे 3 इंस्टेंसेस हुए जहां आपने ऑपोजिट बोल दिया। बट अमेजिंग रिप्लाई, अमेजिंग, दैट्स सर, ग्रेट। यार कैसा है कॉन्फिडेंस अमालगमेशन में सो फार? अच्छा है सर, मजा आ रहा है अमालगमेशन पढ़ के? बन गया। हाँ अब हो रहे ना क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है, पहले बन नहीं रहे थे तो होमवर्क भी नहीं हो पा रहा था, पर अब सारे हो गए मेरे क्वेश्चंस। जैसे कितने लेक्चर्स के बाद बनना स्टार्ट हुआ, ये एक अच्छा चीज आपने बताया है। तो जैसे आज 10th नंबर का लेक्चर है इस टॉपिक का, ठीक है, तो कितने लेक्चर्स तक बन नहीं रहे थे और कितने लेक्चर के बाद बनना स्टार्ट हुए? 5 लेक्चर तक तो नहीं बन पा रहे थे, मतलब कि ये परचेस कंसिडरेशन में भी कंफ्यूजन हो रहा था, मेरे बैकलॉग्स भी थे, तो फिर मैंने बैकलॉग कंप्लीट करे, फिर करना स्टार्ट करा तो फिर बनने लग गए थे। नहीं चलो बहुत अच्छा है यार, तो अब तो कोई बैकलॉग्स नहीं है। अभी सिर्फ लॉ में है। चलो ठीक है, बट किसी एक सब्जेक्ट के बैकलॉग का दूसरे सब्जेक्ट पे असर मत पड़ने देना। ओके सर, हाउ डू यू फील फाउंडेशन अकाउंट से इंटर अकाउंट्स कैसे डिफिकल्ट है या डिफरेंट है? क्या लग रहा है डिफरेंस आपको? डिफरेंस तो है पर कंपनीज के बारे में है, और वो थोड़ा बेसिक्स था फाउंडेशन का, और ये थोड़ा है लेवल का। चलो बाकी 1 महीना हमारा पूरा होने वाला है परसों। सो हाउज योर हाँ लास्ट 1 month बीन एक्सपीरियंस ऑफ सी इंटरमीडिएट? लग रहा है कि पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब दिन भर पढ़ाई में ही हो जाता है। तो घर वाले कुछ कहते हैं? हाँ मम्मी कहती है कि दिन भर पढ़ती रहती है। हाँ चलो अच्छी बात। आई थिंक इट शुड बी टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रूली ना आपको सीए की फीलिंग इंटरमीडिएट में आती है। एग्री करते हैं आप? फाउंडेशन की पढ़ाई से बहुत ज्यादा सीए वाली फीलिंग नहीं आती थी। हाँ चलो बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट लिश, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड डे। थैंक यू सर। सो बहुत अच्छे से लिशा ने पांचों कंडीशंस बताई एंड इट वाज रियली वेरी मच सुपर्ब। और आप लोगों को भी इसी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है गाइस। एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका रिवीजन लेक्चर देखना है और उसकी टेस्ट लेनी है। अमालगमेशन चैप्टर खत्म होते ही, खत्म का मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी बैकलॉग्स। आप लोग इसका रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं, उसकी लिंक ट्रैकर में लगा दी है। टेस्ट अमालगमेशन पे नहीं है, अमालगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे मिलाकर टेस्ट है।
तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हार्डली 3 लेक्चर्स का हमारा टॉपिक है, हम वो खत्म करेंगे, उसके बाद में फिर आपकी टेस्ट होगी और अमालगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अगेन वो टेस्ट पेपर आपको आपके ट्रैकर में मिल जाएगा। सबको बताना चाहता हूँ, ट्रैकर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि यार पूरी शिद्दत से मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेस्ट तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीजें मिलती रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी चेक करते हैं, मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, अ न्यू कंपनी एक्स वाई इज फॉर्म टू एक्वायर द सन्ड्री एसेट्स एंड ट्रेड पेबल्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, एंड फॉर दिस पर्पज द सन्ड्री एसेट्स आर रिवैल्यूड एट ₹1 lakh, द डेट ड्यू टू एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो टू बी डिस्चार्ज इन द शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, शो द लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। नाउ माई डियर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ये वाला जो केस है, ये केस कौन सा है जहां पर आपके पास दो ट्रांसफरर कंपनीज हैं और आप दोनों को मर्ज कर एक कंपनी बनाते हैं, ट्रांसफरी कंपनी बनाते हैं, है ना। तो ये वाले केस में एक्स भी ट्रांसफरर है, वाई भी ट्रांसफरर है, हाउएवर आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स के बुक्स में, ठीक है। कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं स्पेसिफिकली ये नहीं कहा है, तो जब कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट अगर कहा है तो बनाते हैं, अगर है और कहा है तो बनाते हैं, और ट्रांसफरी कंपनी का लेजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने वो जो 12 स्टेप्स लिखी थी बस उसी को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 इज ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, चाहे ट्रांसफरी कंपनी लेकर जा रही है या नहीं जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी भी एसेट्स है उसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है एट इट्स बुक वैल्यू। तो 120 और 15 चेक करिएगा, 1,20,000 और 15,000 का क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स नंबर 4। अच्छा ये लोन टू वाई लिमिटेड है, सॉरी, तो ये कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को लोन दिया हुआ है, ठीक है। द डेट ड्यू टू एक्स लिमिटेड इज ऑल्सो टू बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इन एक्स वाई लिमिटेड, ओके। तो अगर आप यहां पर देखेंगे ना तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एक्स के बुक्स में दिख रहा है कि उसने लोन दिया है और वाई के बुक्स में दिख रहा है कि उसने लोन लिया है, है ना। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। अब ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में हमारे पास एक ही लाइबिलिटी है एक्स की, 25,000, इसको आप क्रेडिट में यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। स्टेप नंबर 3 ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा जी यहां पर 1 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल है 10,000। ये दोनों कहां ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये देखो बच्चा 1,10,000, इज दिस करेक्ट टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नहीं है, परचेस कंसिडरेशन बिकम्स ड्यू। हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, कैसे निकालेंगे परचेस कंसिडरेशन, पढ़िए नीचे क्या दिया। A new company XY is formed to acquire the sundry assets and trade payables of X Limited and Y Limited. इसका मतलब क्या है? आपको नेट असेट्स निकालनी पड़ेगी। नाटो, बिल्कुल सही कहा कुलकर्णी सरकार, नाटो के लिए X Limited की assets जिसकी बुक वैल्यू है 1,20,000, इसका रिवैल्युएशन होता है 1,00,000 रुपए में, तो 1,00,000 रुपए की assets और ट्रेड पेबल्स 25,000 रुपए के ट्रेड पेबल्स, मतलब 75,000 रुपीज का परचेस कंसिडरेशन है। जर्नल एंट्री चेक कीजिएगा, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो ट्रांसफरी कंपनी के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 75,000 75,000, चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर हो गया। अब परचेस कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज रिसीव, परचेस कंसिडरेशन कैसे मिल रहा है, By way of shares, okay? तो equity shares in XY to XY account credit, equity share in XY to XY account credit. इसके अलावा यहाँ पर question ने ये वाली जो line दी ना, the debt due to X is also to be discharged by shares of XY. वो जो 15,000 रुपए का loan नहीं था, loan given to Y Limited, वो भी हमें उसके बदले भी हमें shares मिल रहे हैं, तो वापस entry क्या होगी, equity shares in XY to loan to Y Limited account credit. तो अब कुल मेरे पास, हमारे पास
90,000 रुपीज के इक्विटी शेयर हो गए, 75,000 के जो हमें परचेज कंसिडरेशन के तौर पे मिले और 15,000 के जो हमको लोन की जगह पे मिले 90,000 के शेयर्स। अब दोस्त ये जो 90,000 के शेयर्स मिले हैं, ये शेयर्स का हम क्या करेंगे, इनको हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। तो हमारा ये वाला लेजर अकाउंट क्लोज हो गया, ये वाला लेजर अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज हो गया, लोन अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया क्योंकि लोन का सेटलमेंट हो गया। अब करना क्या है, रियलाइजेशन पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, जो आ रहा है 20,000 रुपीज का लॉस जो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे, जिसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी क्लोज हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्त, बहुत ही आसान था, करेक्ट। चलिए मामा मिया, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं क्योंकि 17 तो मोस्टली आपका होमवर्क होगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2020 एंड इट इज अ PYQ, मजा आने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इट्स अ PYQ। तैयार हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग डीपिंकी। डीपिंकी यार एक बात बताओ, आप मिया ये दुबई वुबई में कहीं रहती हो क्या? मतलब इतनी रिलीजियसली आप हर रोज कंसिस्टेंटली इतनी लेट कैसे आ सकती? मैं हर रोज ऊपर वाले से बस एक ही प्रार्थना करता हूं, पता है क्या, हे ऊपर वाले आज मुझे डी पिंकी से मिला दे, आज मुझे डी पिंकी से मिला देना। इतनी कंसिस्टेंटली ये लड़की लेट कैसे हो सकती है? अटक रही है वीडियो? नहीं बेटा, वीडियो नहीं अटक रही है, ये झटके मैं ले रहा था, टी पिंकी ये वाले झटके थे वो, समझे आप? डन हो गया, डी पिंकी लिख रही है, सर मैं अबू धाबी से दुबई आती हूं क्लास करने के लिए। वाह डी पिंकी वाह, यू आर अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। चलो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करें, मजाक मस्ती अपनी तरफ, गुड मॉर्निंग वंस अगेन डीपिंग की, बहुत सही समय पे आप आए, अभी जस्ट होमवर्क हमने चेक करके कंप्लीट किया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 24 का रेफरेंस देंगे, पेज नंबर लिखेंगे अपने रजिस्टर का जहां पर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ट्रैकर्स भी मैं अपडेट कर देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, किसी दिन हैंड रेस करोगे बात करेंगे तब आपकी कहानी समझ में आएगी हमें डीपिंग की। ट्रैकर मैं बहुत स्पेसिफिक बना रहा हूं, उसमें मैंने लिखा है कि पहले 30 मिनट्स में आज हमने होमवर्क चेक किया है, ओके चले आगे। ट्रैकर्स अपडेट कर दिए मैंने आपके, फर्स्ट विल कंप्लीट टुडेस क्लास एंड देन आई विल शो यू द ट्रैकर। नाउ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 31st March 2018 वाज एज अंडर, रुपीज आर इन रुपीज, नो लैक्स क्रोर्स नथिंग, नो नोट्स। आई कैन सी द गुड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर नो नोट्स एट ऑल, सारे चीज जो है वो सामने ही दिया है, बैलेंस शीट के फेस पे ही दिया है। एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वाई लिमिटेड, नाउ आइडेंटिफाई द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी। एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वाई लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड है ट्रांसफरी, वाई लिमिटेड है ट्रांसफरर। एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वाई लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या टर्म्स है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। भाई साहब मतलब इतना घुमा दिया हो ना कि क्या ही बताएं, पर एक बात बताओ, क्या ये परचेस कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में आएगा क्या? विल यू कंसिडर दिस एडजस्टमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन? द आंसर इज यस। गुडविल ऑफ वाई लिमिटेड,
गुडविल ऑफ वाई लिमिटेड मतलब ट्रांसफरर कंपनी ऑन एब्जॉर्प्शन इज टू बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन टू टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग थ्री फाइनेंशियल ईयर्स। तो हमें गुडविल निकालनी है एंड द प्रॉफिट्स इंक्लूड सम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, तो हमको यहां पर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंडेक्स में ये क्वेश्चन जाएगा और स्टार मार्क होगा इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के वजह से। लैंड एंड बिल्डिंग्स आर टू बी वैल्यूड एट 5 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। इन्वेंट्री इज टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस एंड आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड एट 2.5%। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड करंट एसेट्स इन द बुक्स हुज फेयर वैल्यू अमाउंटेड टू दिस मच एंड सच एसेट वाज आल्सो टेकन ओवर बाय एक्स लिमिटेड। बहुत बढ़िया। द ट्रेड पेबल्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 पेबल टू एक्स लिमिटेड। ये क्या है? इंटर कंपनी ओइंग। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी इशूड इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे देना है वो आपको निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए परचेज कंसिडरेशन के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा? नेट असेट्स मेथड, है ना। यहाँ पर नेट असेट से परचेज कंसिडरेशन निकलेगा। चलिए सबसे पहले वही करेंगे। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, शो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। मतलब ऑल इन वन कैटेगरी का क्वेश्चन है, और टैगलाइन देख लेना, मई 2018 का PYQ है और RTP नवंबर 2020 में भी आ चुका है। बिल्कुल सही कहा श्रेया, इट इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बिकॉज एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है। एक एक कर शुरू करते हैं। कम टू योर रजिस्टर्स एंड लेट्स राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 2.37। ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो यार, वैसे भी मैंने मेरे बुक में जो वैरायटी कवर की ना, वो वैरायटी के बाद में कोई और क्वेश्चन या कंसेप्ट बचता नहीं। आप देख रहे हो सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर नहीं किए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस के अलावा भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए हैं ना। चलिए, तो फॉर्मेट एज सच तो कुछ है नहीं, इट्स सिंपल पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। We'll take up the assets one by one. सबसे पहले लिखा है गुडविल, जो बैलेंस शीट में एसेट्स दिए उसी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन गुडविल का हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर रेफरेंस दे देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, है ना, वर्किंग नोट नंबर 1। अभी वैल्यूएशन यहां पर नहीं करेंगे, लेट्स नॉट मेक कॉम्प्लिकेटेड। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अब उसकी रिवाइज्ड वैल्यूज लेंगे। नीचे देखेंगे आप, लैंड एंड बिल्डिंग की 5 लाख है और प्लांट एंड मशीनरी की 4 लाख है। बहुत बढ़िया। इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड बैंक है। तो अगर आप नीचे देखते हैं, इन्वेंट्रीज आर टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस वैल्यू। सो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है 5,25,000। 5,25,000 माइनस 10% इट बिकम्स 472,500। ट्रेड रिसीवेबल्स आर 3 लाख, बट इट सेज दैट यू हैव टू टेक एट 2.5% लेसर वैल्यू। तो 3 लाख माइनस 2.5% दैट बिकम्स 292,500। तो बेसिकली यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज आर टेकन ओवर,
There was an unrecorded current asset in the books of Y Limited, whose fair value amounted to 15,000, and X Limited will also take over such assets. तो 15,000 रुपए की unrecorded current assets. अच्छा कैश एंड बैंक का क्या करेंगे? आर वी गोइंग टू कंसिडर और आर वी नॉट गोइंग टू कंसिडर? सर कहीं क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि कैश एंड बैंक बैलेंसेस नहीं ले जा रहे हैं, या क्वेश्चन में सर ये भी वर्ड यूज नहीं किया कि ऑल दी एसेट्स आर टेकन एक्सेप्ट कैश एंड बैंक. तो इस केस में हम कैश एंड बैंक ले जाएंगे और उसकी बुक वैल्यू पे ले जाएंगे जो कि है 60,000. सो विल कंसिडर इट एट 60,000. चेक ऑल ऑफ यू, वेरी गुड. एसेट सारी हो गई, अब आते हैं लाइबिलिटीज में. लाइबिलिटीज में क्या है हमारे पास? तो सर है ट्रेड पेबल्स 2,40,000. बहुत बढ़िया. लाइबिलिटीज में हमारे पास है रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 60,000. अब सर रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड सर इजंट इट अ रिजर्व? नो, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड इजंट इट अ रिजर्व? आर वी गोइंग टू कंसिडर इट एज अ लाइबिलिटी, यस और नो? गिव मी आंसर. जैसे कैश और बैंक को लेकर कंफ्यूजन था वैसे रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड आर वी गोइंग टू कंसिडर? रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड गाइज व्हाट इज दिस? रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड क्या है? अब मेरा सिंपल सवाल है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड इज इट अ रिजर्व और इज इट अ लाइबिलिटी? बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड श्रेया. वी विल कंसिडर इट बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. जिसको भी लगा, जिसके भी माइंड ने सिग्नल दिया ना कि ये रिजर्व है लाइबिलिटी नहीं है, वहां पे लिख लेना इट इज अ लाइबिलिटी, देयरफॉर इट विल बी कंसीडर्ड. दैट्स ऑल, और तो कुछ बचता नहीं है यहाँ पर. जनरल रिजर्व नहीं लेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लेंगे, इक्विटी शेयर्स नहीं लेंगे, ठीक है. सिर्फ गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना है. गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद हम लोगों को मिलेगा नेट एसेट्स टेकन ओवर, जो कि हमारा परचेज कंसिडरेशन होगा. फिर इसको डिवाइड करेंगे हम इशू प्राइस पर इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड. कितना है नीचे दिया, लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ना. शेयर्स विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. द फेस वैल्यू इज 10 रुपीज एंड प्रीमियम ऑफ 5%, दैट मीन्स 10.5 रुपीज. देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. अब बात पूरी आ जाती है घूम फिर के गुडविल पे. वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल. अब क्वेश्चन का गुडविल का एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. कहता है गुडविल इज टू बी ऑन अब्सॉर्प्शन इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years. ओके, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है कितने सालों से. गुडविल इज टू बी कंप्यूटेड 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 financial years इनटू 2 times. तो एवरेज प्रॉफिट हमको यहां पर निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा. करेक्ट, चेक कीजिएगा. अब दोस्तों एक नई चीज हम लोग जो यहां सीखेंगे वो क्या है समझना. आप कहेंगे सर क्या है पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट दिया है, 2016-17 का है 90,000. डोंट राइट, जस्ट अंडरस्टैंड. 2016-17 का प्रॉफिट दिया है सर 90,000. 2015-16 का 78,000. और 2014-15 का 72,000.
करेक्ट। तो ये 3 सालों का प्रॉफिट्स हमको दिया गया है, लेकिन ये प्रॉफिट्स में हमें चेक करना है कि कहीं पे भी कोई एबनॉर्मेलिटी है क्या। अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो मुझे उसको पहले एलिमिनेट करना होगा। अब देखिए क्या कहते हैं, द प्रॉफिट्स फॉर 14-15, ये वाले प्रॉफिट्स की बात हो रही है, द प्रॉफिट्स फॉर 14-15 इंक्लूड क्रेडिट ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000। व्हाट डज दिस मीन्स? तो 2014-15 में मुझे एक इंश्योरेंस क्लेम मिला था 25,000 रुपए का। उसके पहले वाले साल में आग लग गई थी 13-14 में, तो उसका क्लेम मुझे मिला था 25,000 का। ये 25,000 का क्लेम मिला मतलब ये मेरी इनकम थी, और क्योंकि ये मेरी इनकम थी इसीलिए मेरे 2014-15 का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 25,000 रुपए को 2014-15 के प्रॉफिट से माइनस करना होगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा नॉर्मल बिजनेस से, ऑपरेटिंग बिजनेस से एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, ये हो गया। इन द ईयर 2015-16 देर वॉज एन एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी हो जाना, कैश की चोरी हो गई थी, एंड इट अमाउंटेड टू ₹10,000। तो जानकर दुख हुआ, बट 2015-16 में भी एक एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन है। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मली नहीं होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। तो 10,000 रुपए की कैश चोरी हुई जो मेरा एक लॉस है, और क्योंकि ये मेरा लॉस है ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, मतलब पीएनएल में उसको खर्चा दिखाया होगा हमने, और क्योंकि उसको खर्चा दिखाया होगा तो मेरा प्रॉफिट जो है 2015-16 का वो ₹10,000 से कम दिख रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि अगर ये अबनॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं होता था तो मेरा प्रॉफिट कितना होता था। तो फिर सर मेरा प्रॉफिट होता था 88,000, और सर यहाँ पर जो 72,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है ना, दिस इज आफ्टर कंसिडरिंग द इनकम ऑफ 25,000 सर, तो ये जो प्रॉफिट है ना सर ये है एक्चुअली 47,000। तो दोस्तों अब मुझे ना 3 प्रॉफिट्स की फिगर मिल गई है, 90,000, 88,000, 47,000। तो अब मैं यहां पर इसका निकालता हूं एवरेज प्रॉफिट। और वो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 75,000। चेक ऑल ऑफ यू, ये 75,000 रुपीज के एवरेज प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 टाइम्स से तो जाकर मुझे गुडविल की वैल्यू मिलेगी 1,50,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। दिस वैल्यू ऑफ गुडविल आई विल कंसिडर इन माई स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। एंड चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन 15,90,000 डिवाइडेड बाय 10.5 रुपीज का शेयर है 15,90,000। बहुत बढ़िया, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, वेरी गुड। अब ये टोटल परचेज कंसिडरेशन सिर्फ इक्विटी शेयर्स में इशू हो रहा है क्या, ये समझना। ये यहां पर जो लिखा है ये फिर से आपको डुबा सकता है। सिर्फ इक्विटी शेयर से इशू हो रहा है क्या? नहीं सर, अगर ये इक्विटी शेयर में, तो वो जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो क्या है, वो पढ़ो। फर्स्ट नंबर पॉइंट, 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। इसका मतलब है ये परचेज कंसिडरेशन जो है दो तरीके से डिस्चार्ज हो रहे हैं। एक 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड और इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। अगर आपने ये गलती की जो मैंने अभी जानबूझ के की थी आपके सामने कि 15,90,000 को 10.5 से डिवाइड करेंगे तो आप एडजस्टमेंट नंबर 1 को स्किप कर जाएंगे। नंबर 1 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के सेटलमेंट की बात हो रही है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सेटलमेंट भी इट इज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चेक करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा पे कर रहे हैं। फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स वाई लिमिटेड के 10% प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं, 3 लाख रुपीज के। सभी जने फोकस कीजिएगा, अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज 3 लाख रुपीज टू बी पेड एट 10% प्रीमियम।
तो उसको 10% ज्यादा पे करना है, मतलब 30,000 पे करना है। मतलब टोटल अमाउंट कितना पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 3,30,000। ये क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो मैं मेरे परचेज कंसिडरेशन के वर्किंग नोट को पूरा करता हूं। 3 लाख रुपीज की फेस वैल्यू प्लस 10%, तो 15,90,000 में से ना 3,30,000 तो मैं बाय वे ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स दे रहा हूं। तो बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स हाउ मच परचेज कंसिडरेशन आई एम डिस्चार्जिंग, 12,60,000। कैसे आया 12,60,000? जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, 15,90,000 माइनस 3,30,000, दैट गिव्स यू 12,60,000 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू। अब 12,60,000 को हम डिवाइड करेंगे 10.5 से, तब जाकर नंबर ऑफ शेयर्स हमको मिलेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय 10.5 करके, तो यहां पर आएगा 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। चेक ऑल ऑफ यू। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम, मतलब 3,30,000 पे करना है। कैसे? बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है एक्स लिमिटेड के, वो प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? 100 रुपीज के। तो 100 रुपीज के जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको हम एट पार इशू कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, तो उसका मतलब है एट पार। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी यहां से मिलेंगे हमें 3,300 प्रेफरेंस शेयर्स। आया सबको समझ में? इजी है ना? क्लियर? बहुत बढ़िया। सो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का खत्म होता है, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, बट इसकी जरूरत है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में जो तीन चीजें पूछी है, इन तीनों में कहीं नहीं लिखा है कि परचेस कंसिडरेशन निकालो, निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड रियलाइजेशन अकाउंट। लेट्स डू इट। हार्डली 10 लाइन्स का लेजर अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, हमारे वो 12 स्टेप्स को दिमाग में रखना है और उसी को फॉलो करना है। ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, डोंट फॉरगेट दैट। तो ये जितनी भी एसेट दिख रही है ना, ये A to Z, ये सारी की सारी एसेट्स हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, बुक वैल्यू पे करना है। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। सेवेंटी फाइव थ्री फोर फिफ्टी। ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी हमारे पास दो ही है, ट्रेड पेबल्स, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड। RGF, KGF की तरह, RGF 240 एंड 60। बहुत बढ़िया, अद्भुत। बाकी सारे स्टेप्स दिमाग में लगाने की जरूरत ही नहीं भाई, एक ही तो लेजर अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स ऑल। तो बाय
एक्स लिमिटेड अकाउंट, एक्स लिमिटेड कौन सी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा यहाँ पे 15,90,000। अच्छा, आर वी पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? यस सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना था सर हमको 3 लाख रुपीज, हम लोग पे कर रहे हैं 3,30,000, 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 30,000, चलो ये भी सही है। अब हो गया सब कुछ, हाँ बाकी कोई चीज बची नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है ही नहीं, तो और ही थोड़ी ले सकते हैं। एटीन लाख नाइन्टी थाउजेंड क्या पोजीशन बन रही है दोस्तों? 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। लॉस नहीं है राजा, प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। आज क्लास में सारे बच्चे बहुत ऐसे सीधे सीधे लग रहे हैं ना मुझे। डन, अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पे फोकस है, चल अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुई जानकर कि तेरा फोकस सही जगह पर है प्रतीक। चले आगे। अब ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज मतलब होती है मेनली तीन, है ना? चलो चेक ऑल ऑफ यू, अब जो जो एसेट्स आप लेकर जा रहे हैं उन उन एसेट्स को डेबिट करेंगे, ठीक है? प्लीज आंखें बंद कर लेना क्योंकि आप सहन नहीं कर पाओगे, और मैं भी मजबूर हूं बेटा, आई हैव टू डू इट, है ना? आई डोंट हैव अ चॉइस मैन, ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ रहा है, ट्रस्ट मी गाइस, इच्छा से नहीं कर रहा हूं, मजबूरी से कर रहा हूं मैं ये सब कुछ। ट्रेड रिसीवेबल्स ग्रॉस अमाउंट पे आएगा,
यू हैव अ चॉइस? नहीं बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, ट्रस्ट मी। यू विल हैव टू ट्रस्ट मी श्रेया, बिल्कुल भी चॉइस नहीं है मेरे पास। आईपैड ना बहुत बुरा मान जाता है। निम्बुड़ा 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 निम्बुड़ा, कृपया करके आप तो ना चुप ही बैठे नींबू जी। आरडीडी को अलग से ही दिखाना है, भी नहीं बेटा, अलग से ही दिखाना है। अच्छा, अब ये जनरल एंट्री ना टैली होनी चाहिए, क्योंकि गुडविल कैपिटल रिजर्व जो था वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। समझ में आया? तीर से निकली कमान और मुंह से निकली जुबान, वापस नहीं ली जा सकती। रौनक यादव जी, आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। गहरा मार दियो सर, मजाक मजाक में सर, बहुत गहरा छोड़ दियो सर। आप बातों में बहुत गहराई होती है सर, आपके बहुत गहराई होती है सर। चलिए, तीसरी एंट्री होती है डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन की। गुडविल जो बैलेंस शीट में है श्रेया, वो बुक वैल्यू पे थी, ये रीवैल्यूड फिगर पे हम गुडविल लेके जा रहे हैं। हमने नाटो की वर्किंग नोट में बनाया ना बेटा। सो 3,300 प्रेफरेंस शेयर्स इनटू ₹100, हाउ आर वी डिस्चार्जिंग परचेज कंसिडरेशन? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स इनटू ₹10, 12 लाख, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 1,20,000 शेयर्स इनटू 50 पैसे पर शेयर, 60,000। चेक ऑल ऑफ यू, तो तीन मैंडेटरी एंट्रीज होती है बिजनेस परचेज की, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, उसके बाद एक एंट्री होती है किस चीज की, फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। क्या यहां पर इस क्वेश्चन में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है? नहीं, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। क्या यहाँ डिबेंचर होल्डर का सेटलमेंट है? नहीं, उसकी एंट्री नहीं होगी। क्या यहां पर इंटर कंपनी ओइंग्स है? हाँ जी है, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। चेक करिएगा, इंटर कंपनी ओइंग्स दिया है पॉइंट नंबर 6 में। ट्रेड पेबल्स ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 पेबल टू एक्स लिमिटेड। ओके, इंटर कंपनी ओइंग्स की एंट्री सिंपल होती है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 20,000, 20,000। बींग इंटर कंपनी ओइंग्स एलिमिनेटेड। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन,
प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट डन, शो जर्नल एंट्रीज डन, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन डन, नाउ प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन. यू विल प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट, कम ऑन, आई गिव यू 10 मिनट्स. शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से बनानी है बैलेंस शीट. एक्सीडेंट पॉइंट ध्यान रखना, बैलेंस शीट बनाते समय जर्नल एंट्रीज को कंसिडर करके बनाइएगा, ठीक है. सो प्रिपेयर बैलेंस शीट. कम ऑन, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट आपको ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है, उस फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट बननी चाहिए आपकी. मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं. जस्ट अ मिनट, डोंट पैनिक. Is it fine now? Come on, all of you, prepare your balance sheet in 10 minutes. Consider journal entries, otherwise you will make mistake. Huh?
check all of you. ₹59,20,000 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? चेक कीजिएगा सभी जने, 59,20,000 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? ₹59,20,000 डन। चेक करो सभी जने, चेक ऑल ऑफ यू। या क्लियर, इंडेक्स में पोस्ट करेंगे सभी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 17 इज अ सिमिलर क्वेश्चन, आईसीएम मॉड्यूल का क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क ऑफ टुडे। यहां पर लिख भी दीजिएगा। इसको सॉल्व करना है और मॉड्यूल के साथ चेक करना है, समझ में आया? अब रुको, लेक्चर खत्म करने से पहले एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, मॉड्यूल में आते हैं और देखते हैं कि मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको अभी भी कवर करना बाकी है। ओके, मॉड्यूल 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 एक बार क्विकली चेक करिएगा सभी जने, ऑल ऑफ यू। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पार्टिसिपेट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका आईसीआर का मॉड्यूल है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार हमारा कितना कवर हो चुका है। बाय एंड लार्ज सब कुछ हो गया, बट स्टिल जस्ट फॉर योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर वन मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर वन कवर हुआ है क्या, चेक करिए ट्रिपल ए बुक में। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर वन ट्रिपल ए बुक में कवर हुआ है क्या, ये रहा, चेक करो। क्वेश्चन नंबर टू, एक बार मैं इसको यहां पे लेता हूँ। यस, यहां पर आकर आप लिखेंगे ट्रिपल ए क्वेश्चन टू। इलस्ट्रेशन नंबर टू कवर हुआ है मॉड्यूल का, ये थ्री है, ये फोर है, ये एट है, नहीं हुआ है, तो इलस्ट्रेशन नंबर टू आपको सॉल्व करना है। परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। अब यहां पर आप क्या करोगे, आपके रजिस्टर में कहीं तो लिख कर रखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग है। अपने रजिस्टर में आप आएंगे और कहीं तो लिख कर रखेंगे क्वेश्चंस ऑफ आईसीएआई स्टडी मटेरियल टू बी डन। कुछ बेसिक चीजें ना बेटा लिख के रखो आपके पास, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं विच आर टू बी डन। तो इलस्ट्रेशन नंबर टू, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर थ्री हो गया है, हम लोगों ने देखा है ट्रिपल ए क्वेश्चन नंबर वन।
इलस्ट्रेशन फोर का क्या सिचुएशन है? नील लिमिटेड, गगन लिमिटेड, पढ़ा हुआ तो याद आ रहा है मुझे। नील गगन हमने ये रहा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5AAA क्वेश्चन 5, टिक मार्क करो। बहुत अच्छी तरकीब है, ये बता रहा हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है। आपकी स्टडीज बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी इससे, क्योंकि देखो अभी ना आप ये टॉपिक में हो पूरी तरह, यू आर एंग्रॉस्ड इन दिस टॉपिक, तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस टॉपिक, तो लेट्स टेक बेनिफिट ऑफ दैट। वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, ये भी पढ़ा हुआ आ रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। रेफरेंस देना है तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, बट ठीक है चलो दे देते हैं। वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, कौन सा क्वेश्चन है? ये रहा क्वेश्चन 14। तो अभी ना आपकी मेमोरी में क्वेश्चन स्टोर्ड है, जो जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं ना वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, तो अभी बहुत बेनिफिट रहेगा, इसीलिए रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 6, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट गिवन, बेस्ट लिमिटेड, बेटर लिमिटेड, हो गया है, टिक मार्क कर दो। नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मिल जाए इजीली तो ठीक है, नहीं तो गोली मारो। नंबर 7, के लिमिटेड, एल लिमिटेड, ये भी हमारा हो चुका है, टिक मार्क करो। नंबर 8, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ओके। आई थिंक ये वाला भी हमारा हो चुका है, इनफैक्ट आई थिंक ये तो गेटवे क्वेश्चन था, 6 नंबर था शायद। यस, हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 था, गेटवे क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन हमने किया था, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर परचेस। नाइन नंबर PQ हो गया है। 10 नंबर, हरी लिमिटेड, वायु लिमिटेड, हुआ है क्या? आई थिंक हुआ है, हरी लिमिटेड एब्सॉर्ब्स वायु लिमिटेड, कोई रेफरेंस बता सकता है इसका? PQ, सुपर एक्सप्रेस, फास्ट एक्सप्रेस, PQ, PL, PV, सन, नेपट्यून, VT, गैलेक्सी, ग्लोरी, KL, बेस्ट, बेटर, हरी वायु, 17 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, बहुत बढ़िया, थैंक यू कुशल, टिक मार्क करिए। मतलब देखो अभी तक एक ही क्वेश्चन मिला है जो आपको एक्स्ट्रा करना है, आज ही मॉड्यूल खत्म करना है बेटा। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 11, हुआ है क्या? आई थिंक सो, याद आ रहा है। सर पिछले बैच का तो याद नहीं आ रहा? नहीं बेटा, वो इसी बैच का याद आता है, ये रहा। अच्छा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला, यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छी बात सर। उसके बाद अरे इलस्ट्रेशन सारे हो गए, शाबाश, क्या बात है। 9 नंबर हमारा हो चुका है, आपका कल का होमवर्क था। 10 नंबर भी हो चुका है, वो भी कल का होमवर्क था। 11 नंबर सुपर एक्सप्रेस, फास्ट एक्सप्रेस हो चुका है। 12 नंबर पी लिमिटेड, बी लिमिटेड हो चुका है। 13 नंबर सन और नेपट्यून हो चुका है। दैट्स ऑल, मतलब मेरे दोस्त पूरा पूरा सिलेबस रिव्यू करने के बाद पता चलता है कि आपको आज बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स ऑल। और अब देखो इस सब के अलावा आप सब लोगों के साथ वॉल्यूम नंबर 3 शेयर किए गए हैं, सबको पता है ना, सबके पास वॉल्यूम नंबर 3 शेयर किए गए हैं। अंशुल सर नोट्स, अंशुल सर बुक में आप जाएंगे, अच्छा एक सेकेंड, सॉफ्ट कॉपी मैंने शायद अपलोड नहीं की है। हाथ तू हाथ, पहली फुर्सत में, डोंट वरी, एकज मिनट थांबा। वॉल्यूम नंबर 3 वैसे डिलीवर्ड है आपको, लेकिन मैं भी यहां पर अपलोड कर रहा हूं, एकज मिनट थांबा, जास्त टाइम में लावत नहीं, रुक जा रे बाबा, रुक जा। हाथ तू हाथ, पहली फुर्सत में अभी जो अपलोड कर रहा हूं मैं वॉल्यूम नंबर 3 की सॉफ्ट कॉपी भी, मेरे बच्चों को टेंशन न कोरे बाबा। वॉल्यूम नंबर 3, जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं,
जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, मस्त वॉल्यूम नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, चाहो तो अभी कर सकते हो, चाहो तो बाद में कर सकते हो, पूरी तरह चॉइस आपकी है। इलेवन हो गया बेटा, सारे क्वेश्चंस हो गए, एवरीथिंग इज डन। डिपिंग की ट्रैकर चेक कर लेना बेटा एक बार, ये देखो डिपिंग की आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं, सब जनों को भी देख लो। ये रहा आपका ट्रैकर, ठीक है, एब्सोल्यूटली अपडेटेड ट्रैकर। कैन यू सी ऑल ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन, ट्रैकर दिख रहा है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 17 अभी हो गया, वो होमवर्क दिया है आपको, मॉड्यूल से चेक करना, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। अब देखो ट्रैकर में अगर आप देखोगे तो आज का लेक्चर है हमारा 24th of September का, अमालगमेशन हमने किया है, चेक किया है क्वेश्चन 18 एंड 19 होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट 30 मिनट्स में, क्लास वर्क किया है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 17 इज योर होमवर्क टू बी चेक फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल, कंप्लीटेड टॉपिक और वन शॉट रिवीजन। अच्छा टॉपिक का नाम चेंज करना है, वन शॉट रिवीजन यहां पर लगा दिया है। अमालगमेशन का 1 घंटा 56 मिनट का वीडियो है, अब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद टेस्ट नंबर 2 अमालगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की 60 मिनट की 30 मार्क की टेस्ट है, आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं पहले भी, आप देखो बीच में हमने KS 13 कर लिया था, है ना, अब यहाँ पे बीच में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लेंगे। उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी बच्चे का बैकलॉग है, मतलब समझ लीजिए 2-3 दिन का, मैं 8-10 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो बच्चे को एक मौका मिलता है कि एटलीस्ट वो अगले चैप्टर में लाइव ज्वाइन कर सके, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ब्रीदर होते हैं, उसमें कोई होमवर्क नहीं होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब चलते हैं ना, तब आप जो डेली का एडवांस अकाउंटिंग के लिए स्टडी का टाइम निकालते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं बैकलॉग कवर करने के लिए। तो जिन बच्चों के बैकलॉग्स हैं उन बच्चों को एक ब्रीदर देने के लिए ना मैं बीच बीच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेता जा रहा हूँ, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर हो जाएंगे और आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। और आपने कहा क्वेश्चन नंबर 11, तो डीपिंग की जी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने क्लास वर्क किया था क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट। नाउ आई विल शो यू वॉल्यूम नंबर 3, सबको पता है मेरे बुक्स के फोल्डर में आएंगे, ये फोल्डर में आप आए तो देखिए सबसे ऊपर वॉल्यूम नंबर 3 अपलोड हो चुका है। नाउ वॉल्यूम नंबर 3 इज अ सेल्फ प्रैक्टिस बुक, जितने भी चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, पूरा जो सिलेबस है उस सिलेबस के ऊपर मैंने आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं अलोंग विद सॉल्यूशंस, ये देखिए चैप्टर वाइज अरेंज करके दिया है अलोंग विद सॉल्यूशंस। लेट मी इंपोर्ट दिस, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर मैनर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। So this is your volume number 3, you can see all of you. Chapter wise, I have given additional practice questions along with solution. तो ये तो हो गया cash flow statement. आप देखेंगे detailed solutions के साथ दिए हैं, है ना? और references भी दिए हैं, जैसे कि ये December 21 intermediate के exam का 5 mark का question है, May 22 5 mark का question है, November 22 5 mark का question है, आरटीपी में 18, आरटीपी नवंबर 21, आरटीपी नवंबर 23 का ये क्वेश्चन है, आरटीपी नवंबर 2018 और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 22 में पूछा गया वो ये क्वेश्चन है, आरटीपी मई 2019 का ये क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं मतलब आपके पास बहुत रिसोर्सेज है पढ़ने के लिए और इसके अलावा कहीं जाना ही नहीं है बेटा। मैं ऐसे नहीं डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि पूरा मॉड्यूल कवर करवाया और आज मैंने ये प्रूफ करके दिया आपको। अब आपको ना ये आदत को मेंटेन करना है कि जिस भी दिन मैं एक टॉपिक खत्म कर दूं ना उस दिन तुरंत मॉड्यूल लेकर बैठना और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को कंपेयर कर लेना है। जैसे कैश फ्लो भी है, अगर किसी ने अभी ये कंपैरिजन नहीं किया तो कर लेना कि कैश फ्लो में अंशुल सर की बुक के सारे क्वेश्चंस हो गए क्या। अब देखेंगे आप अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के दोस्तों वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस किए हैं, बराबर है। अब 22 क्वेश्चंस के अलावा देखो आपको कितने और क्वेश्चंस दिए मैंने प्रैक्टिस के लिए, जुलाई 2021 का 10 मार्क का PYQ है ये, समझना। आपको कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है कि ये बुक में जाओ, कि वो मॉड्यूल डाउनलोड करो, कि ये दूसरे क्लास वाले बच्चे के पास से लेकर आओ, इधर से जेरोक्स करो। भाई मैं बता रहा हूँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक जगह पे मैंने दिया। ये देखो पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर उसका सोल्यूशन है, परचेज कंसिडरेशन का स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, सब कुछ आप देखो
मई 2022 का पीवाईक्यू है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलतियां नहीं हो सकती, गलतियां थोड़ी बहुत हो सकती है भाई, क्योंकि इतना बुक बना है तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, बट आप लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। बैलेंस शीट बनी है, जर्नल एंट्रीज बनी है, ऊपर ये देखिए नोट्स बने हैं, आरटीपी नवंबर 2019, और ये वो क्वेश्चंस है विच आर ओवर एंड अबाउ माय वॉल्यूम वन क्वेश्चंस। डेफिनेटली वॉल्यूम वन के अंदर जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे है, मैंने कंसेप्ट कोई भी नहीं छोड़ा है, अभी बता रहा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल कंसेप्ट। चेक ऑल ऑफ यू, लेजर अकाउंट्स बने हैं यहाँ पर, बैलेंस शीट बनी है, आरटीपी मई 2020, आरटीपी मई 2021, आरटीपी नवंबर 2021, आरटीपी नवंबर 2022, आरटीपी मई 2018। आप कंपाइलेशन तो देखो दोस्त, आप पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, इतना अगर किसी ने कर लिया ना उसकी मेरिट पक्की है, ये बात गारंटी है मेरी। आरटीपी मई 2022 10th नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2018 एंड 22 पीवाईक्यू, क्वेश्चन नंबर 11 दिसंबर 2021 पीवाईक्यू। अब आप देखो दोस्त, 11 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए मैंने। अब आप सिर्फ अगर अमालगमेशन की बात करोगे तो वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर हमने 22 क्वेश्चंस किए हैं, सिर्फ समझना आप, है ना, सिर्फ अच्छे से समझना। उसके बाद में आईसीएआई स्टडी मटेरियल में लेफ्ट आउट क्वेश्चन कितना है, एक क्वेश्चन है, वो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम नंबर 3 के अंदर कितने क्वेश्चंस हुए बेटा जी, 11 क्वेश्चंस भाई, 22 और एक 23 और 11, मतलब 34 क्वेश्चंस। अमालगमेशन के अगर 34 क्वेश्चंस कर लिए तो भाई साहब कुछ बचता ही नहीं है ना यार, ये तो लॉजिक लगा। ये 34 क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत रेपिटेशन आपको मिलेगा, जैसे कि आज का ही होमवर्क देख लो ना, 17 नंबर और 20 नंबर रिपीटेड है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आप ये सोच के तो देखो कि अगर थोड़ी सी अलग तरीके से पढ़ाई की जाए ना तो रिजल्ट आना पक्का है, 100% पक्का है। और आपको एक चीज बता दूं, यही चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में है और यही चीज एडवांस्ड अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी वॉल्यूम नंबर 3 है विद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और डे वन पे आपको मिल जाएगी, डे वन पे सब कुछ आपके लिए तैयार है दोस्त, एवरीथिंग इज रेडी, बस आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है अपनी तरफ से। और मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, ये जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसको तो आज करके खत्म कर दो, और ये जो 11 क्वेश्चंस है ना इसको आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहते हैं ना वैसे वैसे करना। अभी तैयारी किस चीज की करनी है, टेस्ट की, मतलब एक फंडा बना देना क्लियर कि जैसे ही क्लास के अंदर चैप्टर खत्म हुआ तो चैप्टर हम कहां से खत्म कर रहे हैं, वॉल्यूम नंबर 1 से। सुनना मेरी बात, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बता रहा हूं। क्लास में कोई भी एक चैप्टर खत्म हुआ फिर बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके कोई भी बैकलॉग है उस चैप्टर के तो उसको आपको कवर करना है। पर सर इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सर आप तो अगले ही दिन सर नया चैप्टर चालू करते हो। नहीं बेटा, मैं अगले दिन नया चैप्टर चालू नहीं करता हूँ, आप देखो हर चैप्टर के बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, अमालगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सेम है, इसीलिए उसके बीच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ले रहा हूँ। तो जैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म होगा 2 से 3 दिन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लूंगा, आपको चांस मिलेगा, समय मिलेगा बैकलॉग कवर करने का। क्लियर हो गया, वॉल्यूम 3 आपको बुक्स में डिलीवर हुआ है विद्या, बस उसके अंदर आई थिंक 2 चैप्टर्स नहीं है, ब्रांच अकाउंटिंग और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो तब तक बनकर तैयार नहीं हुए थे, लेकिन वो पीडीएफ में है जो मैंने अभी अपलोड किया, तो आप वहां से प्रिंट कर लेना, ठीक है। तो वापस कॉन्सेंट्रेट करो, क्लास में चैप्टर खत्म होते ही क्या करना है, अगर कोई बैकलॉग है तो उसको कवर करना है, उसके लिए मैं आपको 2 से 3 दिन दूंगा हर चैप्टर के बाद, अभी भी दे रहा हूँ आगे भी दूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, उसके बाद में आपको रीसॉल्व करना है ऑल क्वेश्चंस ऑफ वॉल्यूम 1। मैंने आपको इंडेक्स भरना सिखाया था, मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि जो आपका रिवीजन एनालिसिस कॉलम नंबर 1 है उसमें आपके आपको किसी भी क्वेश्चन को टिक मार्क नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस उसमें स्टार मार्क होने चाहिए ताकि एटलीस्ट एक बार आप क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करें। यहां पर आपकी होती है
रिवीजन, समझ में आया? उसके बाद में आप सॉल्व करेंगे क्लास टेस्ट। टेस्ट पेपर्स आर सेल्फ एवेल्युएटेड पेपर्स, टेस्ट पेपर्स भी है, सजेस्टेड आंसर्स भी है, आप उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, और सॉल्व जब आप करेंगे तब ये सब करने के बाद आप कह सकते हैं कि यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर। अब आप एक बार इसका पैकेज अगर देखते हो ना बेटा, वॉल्यूम 3 तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं, अगर आप एक बार इसका पैकेज देखते हो तो इसके पैकेज में पता है क्या क्या हो गया, आपकी क्लास अटेंड हो गई, आपकी एक रिवीजन कंप्लीट होगी और आपकी एक टेस्ट होगी। भाई साहब, इतना करने के बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो किधर जाइएगा? रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। फिर भी अगर किसी बच्चे की भूख नहीं मिटती है, क्योंकि दोस्तों बाद में जब लास्ट में सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचेंगे ना, तो आप लोग ये फील करोगे कि सर आई एम फीलिंग हंग्री फॉर मोर क्वेश्चंस। उस समय के लिए आपको दिया गया है वॉल्यूम नंबर 3। माय डियर फ्रेंड्स, अभी बता रहा हूं, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सबको, डोंट कंसिडर इट एज बैकलॉग। अगर किसी का वॉल्यूम नंबर 3 नहीं होता है तो उसको आप बैकलॉग कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि नीड और डिजायर, वांट और डिजायर दोनों के बीच में डिफरेंस है, बस वही वाली बात है। ये वाली चीज आपकी वांट है। क्या चीज वांट है? एक बार क्लास होनी चाहिए जिसमें वॉल्यूम 1 होगा, एक बार वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन सारे वापस सॉल्व होने चाहिए मेरी रिविजन्स के समय, और तीसरा क्लास टेस्ट होना चाहिए। ये मेरी वांट है, लेकिन वॉल्यूम नंबर 3 करना ये मेरी डिजायर है। ये डिजायर को आप सेटिस्फाई कर सकते हो कभी भी टिल योर एग्जामिनेशन। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसको अभी सॉल्व करें। अब ये मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर छोड़ता हूं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं यार, मैं अब मेरे पास अभी टाइम है और मैं अभी करना चाहता हूं, आप बेशक अभी करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि सर मैं अभी नहीं करता हूं, मैं बाद में करता हूं, बाद में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। पास होने के लिए वॉन्ट काफी है, ये जो वॉन्ट मैंने यहाँ लिखा है ना, इट इज सफिशियंट फॉर यू टू पास। हाँ, मेरिट आना है तो डिजायर को वॉन्ट बनाना पड़ेगा, है ना? चलो, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, और कल फिर से मुलाकात होगी हमारी सुबह 8 बजे। कल का लेक्चर 8 बजे ही है, लेकिन अभी बता रहा हूँ, उसके बाद के जो 2 लेक्चर्स है, 12 तारीख का और 13 तारीख का लेक्चर, 12 सितंबर 13 सितंबर, हम लोग मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि उस समय सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम्स है और फाउंडेशन की एग्जाम्स है। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।